आप देख रहे हैं शहर का अपना वेब टीवी बनारस टाइम्स। लॉग ऑन कीजिए www.banarastimes.in और www.cngtimes.com। वाराणसी को 24 घंटे बिजली दो, बिजली दो, बिजली दो। वाराणसी को 24 घंटे पानी दे न सके जो वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम न सके जो वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदल मोड़ दो। बिजली दो पानी दो न सके जो वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी बिजली दो पानी दो वरना गद्दी छोड़ दो। बिजली पानी कमी है जो वो सरकार निकम्मी है, वो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। बिजली दो पानी दामदेव दादा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। दादा अब संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बिजली पानी दे न सके जो वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है आगे और लड़ाई है। दादा अब संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बोला बिजली दो पानी दो वरना गद्दी छोड़ दो, जिंदाबाद, जिंदाबाद। रामदेव दादा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। दादा अब संघर्ष करो, हम बिजली पानी दे न सके जो वो सरकार। वजह तो ये है कि प्रदेश सरकार वाराणसी के साथ भेदभाव बरत रही है बिजली की आपूर्ति में। इसी उत्तर प्रदेश के अंदर कई जिले और शहर हैं जहां 24 घंटे कटौती मुक्त बिजली दी जा रही है, लेकिन वाराणसी की जनता की बार बार मांग मेरे द्वारा उठाए जाने के बाद भी, वाराणसी इतना महत्वपूर्ण शहर जानते हुए भी इसको कटौती मुक्त नहीं किया जा रहा है। लेकिन अब तो ये वाराणसी शहर भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का संसदीय क्षेत्र भी है, तो मेरी मांग है प्रदेश सरकार से कि प्रदेश सरकार कुछ तो संकोच करे, कुछ तो लिहाज करे, कुछ तो लोकतांत्रिक परंपराओं को मान्यता दे, भारत के प्रधानमंत्री के क्षेत्र के जनता का सम्मान करे और वह अविलंब 24 घंटे वाराणसी को कटौती मुक्त बिजली प्रदान करे। अनिश्चितकालीन है, देखिए क्या होता है, क्या भगवान चाहते हैं जो वही होगा।